जिसने हमें पैदा किया, जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे पत्नी दी, जिसने मुझे बहन दी, मुझे भाई दिया है, जिसने मुझे परिवार दिया, वो भी समाज है। अगर उस समाज के लिए अगर मेरी गर्दन भी कटे तो वो भी मैं काम समझता हूँ। तो राज साहब इसकी लाज और इसकी इज्जत रखने के लिए चाहे मेरी गर्दन कटे मैं कटाना चाहिए और इसकी साख को मैं हर प्रकार से बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे युवा साथियों से मैं आह्वान करता हूँ, आज की जो जानकारी है उसको आप हर युवा साथी तक पहुंचाएं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरे 50 युवा साथी तो मैं अपनी जो आज की जानकारी है ऐसे अगर आप सभी 50 प्रयास करेंगे तो समाज की जो जानकारी वो निश्चित तौर पे हर युवा के दिलो दिमाग में पहुंचेगी। और इतिहास के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम इतिहास लेखक की बात करते हैं तो ये मदन सिंह जी ने इसके ऊपर शोध किया, इतिहास की जानकारी को एकीकृत किया और समाज के सामने रखने की कोशिश की, परंतु आज जनता को सब तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? कहीं ना कहीं विडंबना है, हमारी आपसी कमी है। इस समाज की सोच को वापस से एक नया रूप दें, नए तरीके से संचित करें और इसके लिए मैं छोटी सी अपनी राय देना चाहता हूँ। अजमेर मगरा पाली जेतान से जो भी भीलवाड़ा का जो भी एरिया है, आप एक विस्तृत कमेटी बनाएं और हर गांव से एक व्यक्ति को चुने जिसको अपने गांव या समाज की जानकारी हो। इतिहास की जानकारी लिखने के लिए हर व्यक्ति की राय और मशवरा भी उसमें होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द या गलत लेख न लिखे जिससे युवा भटक जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको संदर्भित करके युवा समाज के आगे आगे लाए, आने वाली पीढ़ियों को अपने समाज की जो संपूर्ण जानकारी होगी वो अपने समाज के प्रति बिल्कुल समर्पण की भावना रखेगा और आदर की भावना रखेगा, समाज के नियमों को संपूर्ण करेगा और आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय।